Hello viewers, hope you all are doing absolutely fine. So welcome back to the channel once again. And in today's video, we are going to start with ears. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कान के बारे में. कान का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में और डेली डे टू डे लाइफ में, कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और क्या इसके फंक्शंस हैं, ये सब बातें हम आज सीखेंगे. जब हम गाने सुनते हैं या किसी से बात करते हैं तो उसमें एयर में किस तरीके से वर्किंग मैकेनिज्म होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे. और बेसिकली एयर एक सेंस ऑर्गन है, तो जो चैप्टर है इसका नाम है सेंस ऑर्गन. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं सेंस ऑर्गन एयर के बारे में. राइट, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यही देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ एयर क्या है, और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि एयर में किस तरीके से वर्किंग मैकेनिज्म हो रही है, जो उसके रिस्पेक्टिव फंक्शंस हैं उनके लिए. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एयर जो है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे एक आउटर एयर का स्ट्रक्चर है. राइट, एक आउटर एयर होता है, एक मिडिल एयर होता है और एक इनर एयर है. सो ये तीन बेसिकली क्या है, पार्ट्स ऑफ एयर. राइट, तो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है जो मेरे कलीग ने बनाया है, और इसमें कुछ पॉइंट्स है जो कि मिसिंग है. अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे और क्या पार्ट मिसिंग है आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एयर से, जो कि आउटर स्ट्रक्चर है, डैट इज़ पिना. ठीक है, तो यहाँ पर जो पिना है इसको हम ऑरिकल भी बोलते हैं या ऑरिसल भी कह सकते हैं. ठीक है, तो ये है, क्या है, ये एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एयर है. अब जब भी फ़ोन आता है या हम गाने सुन रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना एयरफोन कान के एकदम अंदर तो नहीं डाल देते ना, कि सीधे एयर ड्रम तक पहुंचा दिया. हम उसको एक आउटर, एक जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है एयर का, वो वहीं तक ही रहता है, या फ़ोन उठाते हैं तो बात कर रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं. ठीक है, तो मेनली हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर यहाँ पे सिंगिंग कर गाने सुन रहे हैं या कॉल रिसीव कर रहे, तो हम कान पे जहाँ पे लगा रहे होते हैं, डैट इज़ द एक्सटर्नल पार्ट. ठीक है, तो उसको हम पिना कहते हैं. ऑलराइट, अब किसी ने हेलो बोला, वो हेलो का साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल किया थ्रू द कैनाल, उसको हम बोलते हैं एयर कैनाल, या हम उसको ये भी बोल सकते हैं ऑडिटरी कैनाल. राइट, तो कैनाल क्या है, ये बेसिकली पाथवे है जिसके थ्रू जो साउंड वेव्स है वो ट्रैवल करेगी. अब ट्रैवल करते हुए जो साउंड वेव्स है, जो हेलो का साउंड आया, वो ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुँच गया, एयर ड्रम पे. ठीक है, एयर ड्रम को टिम्पैनम भी कहा जाता है. ये बात इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं. ठीक है, एयर ड्रम को टिम्पैनम भी कहा जाता है. अब टिम्पैनम जो है या एयर ड्रम जो है, वो एयर का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में आता है, लेकिन कान के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एयर के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हमने आउटर ईयर से, यानी कि जो मोस्ट एक्सटर्नल है टुवर्ड्स मोस्ट इनर मोस्ट जो स्ट्रक्चर है वहाँ तक जाएंगे. तो आउटर स्ट्रक्चर का इनर मोस्ट पार्ट इज एयर ड्रम, और जिसको हम टिम्पैनम भी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं मिडिल ईयर पे. अब जो साउंड वेव आया हेलो का, वो एयर ड्रम के थ्रू जाएगा मिडिल ईयर में. अब मिडिल ईयर में मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट भी किया था अपने इंस्टाग्राम पेज पे, कि हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है. उसमें काफ़ी लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए थे और सभी के रिस्पॉन्स सही थे. ठीक है, तो जो मिडिल ईयर है, राइट, अब वो इसके जो बोन है वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, जिसको हैमर, एनविल और स्टेरप के नाम से जाना जाता है. ठीक है, अब ये जो थ्री पार्ट्स हैं ऑफ मिडिल ईयर, ये इसको हम एयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं. ठीक है, एयर ऑसिकल्स, और इन्हीं के डिफरेंट नेम्स भी हैं, जैसे कि हैमर को हम बोलते हैं मैलियस. राइट, इनकस को हम बोलते हैं इनविल, एनविल, एंड थर्ड पार्ट है हमारा स्टेप्स का, जिसको हम बोलते हैं स्टेरप. राइट, अब मिडिल ईयर का स्टेरप या स्टेप्स जो है, ये इनर मोस्ट पार्ट है. तो अब साउंड वेव आया हैमर के थ्रू, ठीक है, हैमर, एनविल एंड स्टेरप के थ्रू कहाँ पहुँच गया,
स्टेरप के थ्रू पहुंचेगा अब ये इनर ईयर के सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेप्स है या स्टेरप है, ये कनेक्टेड होता है एक विंडो लाइक स्ट्रक्चर से जिसको बोला जाता है ओवल विंडो। ये मेम्ब्रेन कवर्ड होती है और इसी के साथ साथ होती है एक ओवल विंडो और एक होती है राउंड विंडो। तो बेसिकली ओवल विंडो और राउंड विंडो क्या करते हैं, जब साउंड सिग्नल्स आया, ठीक है, अब साउंड सिग्नल्स जो है ये क्या करेगा, हमारे जो इनर मोस्ट ईयर पार्ट है जिसको कॉकलिया बोलते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे उसको भी, तो वहाँ पे जो फ्लूइड है उसके मूवमेंट को उस मूव जो साउंड है उसको सेंस करके एयर सेल्स में जो सेल्स हैं सेंसरी सेल्स, वो हेयर फॉर्म में, ठीक है, उनका प्रोजेक्शन जो है वो हेयर लाइक है। अब उनका मूवमेंट होता है जिसकी वजह से जो राउंड वाला जो विंडो है ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी बाहर की तरफ मूव करती है, ठीक है, जब साउंड वेव्स रिसीव होती हैं, राइट। अब इसके बहुत सारे रीज़न है, जो स्टिमुलस है, जो हमारा रिसेप्टर है, जो हमारा साउंड वेव है उसको इक्वलाइज करना है, ठीक है, वो साउंड वेव्स बहुत जोर की है तो उसको इक्वलाइज करके भेजना है हमारे इनर मोस्ट पार्ट में, ठीक है। और इसी के साथ साथ मिडिल ईयर में एक और मेन पार्ट होता है जिसको बोलते हैं स्टेशन ट्यूब। स्टेशन ट्यूब जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये मिडिल ईयर पार्ट है जो कि कनेक्ट होता है अपर फेरिंग से, और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, इक्वलाइजिंग एयर में, ठीक है, ये टूवर्ड्स जा रहा है अपर फेरिंग्स, राइट, स्टेशन ट्यूब। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारा इनर मोस्ट पार्ट है, और इनर मोस्ट पार्ट ऑफ ईयर को बोला जाता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, ठीक है, इनर ईयर को कहा जाता है मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ जो कि इसका दूसरा नाम है, यहाँ पे आई विल राइट मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। अब मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और इनर पार्ट में भी जो इनर ईयर पार्ट है ये भी हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है जो कि है कॉकलिया, ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कॉकलिया जो कि ये कॉइल लाइक है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं और ये वेस्टिब्यूल्स हैं, ठीक है, ये तीन पार्ट हमारे आते हैं इनर पार्ट ऑफ एयर में। अब जो वेस्टिब्यूल्स है, कॉकलिया है, सेमी सर्कुलर कैनाल है, ये भी सारा का सारा प्ले रोल करती हैं किसमें, एयर के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अब एयर के जो मेजर फंक्शंस हैं यहाँ पे अभी हम एक जनरल जान लेते हैं, ये है एक हेयरिंग, ये हमको सबको पता है, ठीक है, और दूसरा है बॉडी बैलेंसिंग में, ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट रोल हैं एयर के, ऑलराइट। सो कैसे कैसे ये रोल प्ले करता है वो भी हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, और इस डायग्राम की पर्टिकुलर इमेज को अगर आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेना, या अगर आपको इससे पढ़ना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज से इसको ले सकते हैं, वहाँ पे मैं इस इमेज को पोस्ट कर दूंगा तो आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशनड है, ऑलराइट। तो नेक्स्ट हम लोग अब जाते हैं, यह समझते हैं कि इसका हियरिंग और बैलेंसिंग कैसे फंक्शंस में ये रोल प्ले कर रहा है हमारा सेंस ऑर्गन विच इज एयर, ऑलराइट। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे मेंशन करेंगे जिसको बोला जाता है फोनोरिसेप्टर। फोनोरिसेप्टर्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं, ऑलराइट। फोनोरिसेप्टर्स बेसिकली रिसेप्टर्स हैं साउंड और हियरिंग है, और इसमें जो पार्ट आता है फोनोरिसेप्टर्स जो इनको रिसीव करता है साउंड्स और हियरिंग को, वो है हमारा एयर। अब हमें किसी का कॉल आ रहा है, किसी की बात सुननी है, गाने सुनने हैं, ठीक है, तो हम फोन आ रहा है या गाने सुनने हैं, हम हाथ पे तो नहीं लगाएंगे ना उसको कि हमने एयरफोन लिया और उसको हाथ पे रख दिया या अपने सर पे रख दिया या अपने गाल पे रख दिया। हमें क्लियर वॉइस अगर चाहिए तो हमें
कान के थ्रू ही जाएगा हमारे, ठीक है? तो हम फोन आता है तो हेलो बोलने के लिए सबसे पहले कान पे लगाते हैं, राइट? तो वो सिग्नल्स वही रिसीव कर पाएगा कौन, जो कि एयर है, सेंस ऑर्गन। तो फोनो रिसेप्टर्स या रिसेप्टर ऑफ साउंड्स ऑफ हियरिंग, वो हमारा एयर परफॉर्म करते हैं। गाने सुनने हैं हमने, एयर पे डालना है, ठीक है? कान में लगाएंगे तभी हमें क्लियरली उसकी लिरिक्स पता चल पाएंगी। ऑल राइट, सो ये सारी बातें हैं फोनो रिसेप्टर्स, जो कि हमने डिस्कस किया कि रिसेप्टर्स ऑफ साउंड्स और हियरिंग इज एयर। नाउ नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे हम डायग्राम देख पा रहे हैं और हमने देख रहे हैं कि एयर ड्रम है जो कि टिम्पैनम, वहाँ पे साउंड वेव्स जो है कैनाल के थ्रू आई, रिसीव हुई और मिडिल ईयर के थ्रू पास होते होते ये पहुँच गई कहाँ पे, कॉकलिया में। अब कॉकलिया कैसा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कॉइल लाइक है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो स्नेल होती है उसकी शेल से मिलता है। और जो कॉकलिया में जो कर्व होते हैं वो दो कंप्लीट कर्व होते हैं या दो कंप्लीट राउंड होते हैं, एंड एक राउंड उसमें हाफ होता है, टू कंप्लीट राउंड एंड वन हाफ राउंड, ठीक है? ऑल राइट, तो ये हमारा इनर एयर पार्ट है और कॉकलियर की कैविटी में थ्री कैनाल्स भी होती हैं, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अदर पार्ट्स देख लेते हैं, यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल है, राइट? अब सेमी सर्कुलर कैनाल जो है इसमें भी एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ इज द फ्लूइड जो कि हमारी बॉडी के बैलेंसिंग में भी रोल प्ले कर रहा है, ठीक है? या हम स्टैटिक कंडीशन में हैं या मूविंग कंडीशन में हैं, तो वहाँ पे ये बैलेंसिंग में रोल प्ले करता है, दैट इज सेमी सर्कुलर कैनाल। अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट है, जितनी भी ये ओपनिंग्स हैं यहाँ पे वाइड ओपनिंग्स हैं, ये वाइड ओपनिंग्स जो होती है वो कहलाती है एम्प्यूला, ठीक है? सेमी सर्कुलर कैनाल्स की जो ओपनिंग यहाँ पे खुलती है उसको बोला जाता है एम्प्यूला। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है जो कि जो हमारे बॉडी मूवमेंट को सेंस कर पाते हैं और नर्व्स फाइबर के थ्रू ब्रेन को सिग्नल करते हैं कि हमारी बॉडी अभी स्टैटिक है या डायनेमिक है, मूव कर रही है या स्टेशनरी है, उसको बैलेंस क्रिएट करने के लिए एम्प्यूला के थ्रू सेंसरी सेल्स के पास सिग्नल जाते हैं और उस सिग्नल्स के थ्रू आगे बढ़ते हुए नर्व इम्पल्स से ट्रांसमिट होते हुए ब्रेन उस बैलेंसिंग को ट्रिगर कर पाता है और ये बता पाता है कि हमारी बॉडी स्टेबल है या स्टेशनरी स्टैटिक कंडीशन में है या मूविंग कंडीशन में। तो ये बैलेंसिंग का पार्ट हो गया जो कि एयर करता है विद द हेल्प ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, एम्प्यूला, ऑडिटरी नर्व्स, ब्रेन एंड वेस्टिब्यूल्स ऑल्सो। अब इसमें वेस्टिब्यूल भी रोल प्ले करता है, राइट? तो वेस्टिब्यूल्स के भी दो पार्ट हैं जिसको बोला जाता है एट्रिक्यूलस एंड सैक्यूलस। ये भी मिलके क्या करते हैं, ये सेंसरी सेल्स हैं फॉर स्टैटिक बैलेंस। ऑल राइट, तो एम्प्यूला बेसिकली क्या करेगा, ये डायनेमिक बैलेंस और वेस्टिब्यूल्स स्टैटिक बैलेंस, ठीक है? मैंने कंबाइंडली इनका रोल बताया है कि ये हमारे बॉडी बैलेंसिंग में रोल प्ले करते हैं और जो नर्व्स जा रहे हैं सिग्नल्स नर्व्स के थ्रू वो डायनेमिक कंडीशंस के लिए एम्प्यूला हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल है जिसमें एंडोलिम्फ प्रेजेंट है, ठीक है? यहाँ पे ये रोल प्ले करेगा डायनेमिक बैलेंसिंग बताने के लिए जिसके सिग्नल सेंसरी सेल्स के थ्रू पास होंगे, और यहाँ पे इसके सैक्यूलस एंड यूट्रिक्यूलस हैं वेस्टिब्यूल्स के थ्रू स्टैटिक बैलेंस के बारे में बताएगा। तो मूवमेंट में है या स्टेशनरी है, दैट विल बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गेन एयर। नाउ अभी हम एक चीज़ और इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कॉकलिया में ये हमने साउंड के लिए साउंड वेव्स बनाई है इस तरीके से, ये आई कॉकलिया में स्पायरली मूव करी और यहाँ से मूव करते करते तो हेयरिंग सिग्नल्स भी जो हैं, हेयरिंग सिग्नल्स के लिए मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है, कॉकलिया, ठीक है? अब कॉकलिया के थ्रू ये पास होते होते ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू जाएगी ब्रेन के पास और ब्रेन बताएगा कि ये जो है इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है और हमें याद रखनी है तो नोट करनी है और दोबारा पढ़नी है और रिटेन रखनी है। जैसे कि इस समय आप इस वीडियो को सुन रहे हो कॉपी पेन लेके, तो ये सारे सिग्नल्स आपको
जाएंगे आपके ब्रेन में, और इन्फॉर्मेशन जो भी आप गैदर कर रहे हो वो ब्रेन में स्टोर हो जाएगी, और कॉक्लिया के थ्रू पास होते होते ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन्स में जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, दैट कि कॉक्लिया जो है, कॉक्लिया में भी 3 कैविटीज़ हैं, और कॉक्लिया में 2 तरीके के फ्लूड प्रेजेंट है, राइट। सो इनर पार्ट में भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, कॉक्लिया के बारे में पहले समझते हैं, राइट। कॉक्लिया कैविटीज़, अब कॉक्लिया कैविटीज़ मैंने आपको बता दी कि 2 कंप्लीट राउंड्स होते हैं और 1 हाफ राउंड होता है इसमें, राइट। अब कॉक्लिया कैविटीज़ की आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 3 कैनाल्स हैं, एक है वेस्टिब्यूलर कैनाल, एक है मीडियन कैनाल और एक है टिम्पैनल कैनाल। अब जो वेस्टिब्यूल कैनाल है और जो टिम्पैनल कैनाल है, इसमें जो फ्लूइड है 1 और 3 में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो उसको हम बोलते हैं पेरिलिम्फ, राइट। पेरिलिम्फ इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन 1 एंड 3, और 2 जो हमारा मीडियन कैनाल है, सेकेंड जो हमारा मीडियल कैनाल है इसमें प्रेजेंट होता है एंडोलिम्फ। ये दोनों फ्लूइड मिलके जो साउंड वेव्स आ रहा है उसको ट्रिगर करते हैं, और इनमें जो हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, मीडियम कैनाल में जो हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं एक हेयरिंग सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं जब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस मूव करने लगते हैं, ठीक है। तो ये फ्लूइड क्या कर रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है इम्पल्सिस को फॉर हेयरिंग, ठीक है। और सेंसरी सेल्स में, सेंसरी सेल्स जो प्रेजेंट है ये प्रेजेंट है विद ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ठीक है। अब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में भी क्या है, जो एंडोलिम्स के थ्रू सिग्नल्स ट्रिगर हो पाए हैं, रेगुलेट हुए हैं, वो हेयर सेल्स के थ्रू पास होते होते, ठीक है, यहाँ पे क्या हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे मीडियन मीडियन कैनाल है, राइट राइट यहाँ पे हमारा मीडियन कैनाल है, मीडियन कैनाल में हम देख रहे हैं क्या है, एंडोलिम्फ है, और ये 2 कैनाल्स में हमारा पेरिलिम्फ है। अब मीडियन कैनाल जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है, और ये सेल्स हैं हेयर लाइक सेल्स जो कि क्या करेंगे, जो साउंड हेयरिंग सिग्नल्स हैं इस पर्टिकुलर फ्लूइड में रेगुलेट हुए हैं, और रेगुलेशंस के साथ बाद में एक हेयरिंग सेंसेशन प्रोड्यूस हुआ है जिसकी वजह से इस पे जो हेयर सेल्स हैं प्रोजेक्शंस वो मूवमेंट में आए। अब मूवमेंट में आने के थ्रू के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक बेसिलर मेम्ब्रेन है जिस पे ऑडिटरी नर्व अटैच्ड है। अब ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ये सारा सिग्नल जा रहा है किसको, ब्रेन को, राइट। ये ऑडिटरी नर्व है जो कि अटैच है बेसिलर मेम्ब्रेन से, और इसके थ्रू सारा सिग्नल जा रहा है ब्रेन्स में। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि ये हेयरिंग मैकेनिज्म कैसे रोल प्ले कर रही है, ठीक है, कैसे कोक्लिया के थ्रू हेयरिंग मैकेनिज्म हो रहा है, और जो एयर सिग्नल्स हैं साउंड सिग्नल्स है कैसे ट्रांसमिट हो रहे हैं टुवर्ड्स ब्रेन, और इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है। ऑलराइट, तो ये सारी बातें थी फंक्शंस की और स्ट्रक्चर की, कि एयर में कैसे फंक्शनिंग हो रही है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है ऑफ साउंड वेव्स, और बॉडी बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कैसे कैसे चीज़ें पास हो रही हैं, कैसे एयर को इक्वलाइज किया जा रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक इसको एक रिविजन के लिए मैं एक बहुत शॉर्ट टर्म्स में चीज़ें बताऊंगा, बहुत शॉर्ट वे में क्लियर करूंगा आपके टॉपिक्स को। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जो एयर है इसका फंक्शन हमें पता चल गया हेयरिंग का है। तो एयर, हेयर और हेयर, ठीक है। अब हेयर यहाँ पे क्या मतलब कि जो हमने देखा कि जो सेंसरी ऑर्गन है ना, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई है जिसमें सेंसरी हेयर सेल्स हैं, यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि हेयरिंग सेंसेशन को रेगुलेट कराता है और ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में भेजता है। तो एयरिंग का फंक्शन हो गया हेयरिंग, किसके थ्रू, हेयर सेल्स के थ्रू, राइट। दूसरा हमारा है एयर एंड एयर, तो एयर और एयर का क्या मिक्सचर है, क्या फंक्शन हो रहा है, एयर इस एयर को इक्वलाइज कर रही है और हमें बैलेंसिंग प्रोवाइड कर रही है ना, नेदर हम लोग स्टैटिक कंडीशन में हैं
यानी स्टेशनरी या डायनेमिक में है। तो ये दो बातें हो गई अबाउट एयर, और ये सारे स्ट्रक्चर्स जो भी डायग्राम्स हैं आपको इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे, लिंक मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। ऑल द बेस्ट।